ये देखिए कितने सॉफ्ट हमारे पेड़े बने हैं। हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मावे के पेठे। उसके लिए मैंने ये 500 ग्राम मावा लिया है और उसमें मैंने 400 ग्राम चीनी, पीसी हुई चीनी मिला दी है। पहले मैंने इसको बंद फ्लेम में ही मिक्स कर दिया था, चीनी और मावे को। अब मैं इसको लो फ्लेम पे अच्छे से इसको सेक रही हूँ ताकि ये चीनी और मावा मिक्स हो जाए और इसकी खटा, ये मावा अच्छे से सिक जाए, क्योंकि मावा सिकेगा नहीं तो वो पेठे जल्दी ख़राब हो जाएंगे, खट्टे पड़ जाएंगे। ये आप देख सकते हैं ये एकदम गीला हो गया है क्योंकि चीनी भी मेल्ट होनी शुरू हो गई है और मावा भी मेल्ट होगा। अब जब तक ये पेठे जैसी कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाता तब तक हम इसको अच्छे से सेकेंगे। अब मैंने फ्लेम 8 मिनट बाद मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है। अब मैं इसमें हाफ टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर मिला के कॉर्नफ्लोर मिक्स करके इसको छोड़ दूँगी, 5-7 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है। अब इसको मिक्स कर दूँगी कॉर्नफ्लोर को और 5-7 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 5-10 मिनट इसको रखा था। मैंने इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और मिलाया था क्योंकि ये पेठे बन नहीं रहे थे इसके, तो मैंने 1 चम्मच और मिलाया था। अब आप देख सकते हैं इसकी इतने अच्छे पेठे बनने शुरू हो गए हैं, सेट हो गया अभी अच्छे से और ये एकदम गोल गोल, ये देखिए कितने अच्छे पेठे बने हैं इसके। तो बस आप भी इसी तरह इंस्टेंट पेठे बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।